लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको करना है एक्सपेंड फॉर्म में, कोई भी नंबर दिया है इसका एक्सपेंड फॉर्म आपको बताना है, ठीक है? तो देखिए एक्सपेंड फॉर्म हम लोग कैसे बताते हैं। ये आपका कोई भी नंबर दिया है इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए आपका ये 4, 5, 6, 2 फिर यहाँ पे है आपका 8, 7, 0। अब आपको ये इसको एक्सपेंड फॉर्म में करना है कन्वर्ट। तो आप देखते हैं कि कौन से डिजिट किस प्लेस पे है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 0 है, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है? यहाँ से हम लोग चेक करते हैं, तो ये हो गया आपका 1s, ये हो गया 10s, ये 100, फिर ये आपका 1000, फिर ये आपका 10,000, फिर ये आपका लैख और ये आपका 10 लैख, ठीक है? इस तरह से है। तो आप इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखिए, तो 4 कहाँ है आपका? 10 लैख के प्लेस पे है, तो ये आपका हो जाएगा 10 लैख। अब 5 कहाँ है लैख के प्लेस पे है, तो ये हो जाएगा 5 लैख। फिर उसके बाद देखिए 6 कहाँ है 10,000 के प्लेस पे है, तो 6 10,000 की जगह क्या हो जाएगा ये। फिर 2 कहाँ है 1,000 के प्लेस पे है, तो ये हो जाएगा 2,000। फिर 8 कहाँ है 100 के प्लेस पे है, तो 800। 7 कहाँ है 10 के प्लेस पे है, तो 70। और यहाँ पे 0 है, तो 0 का तो कोई हम लोग लिखेंगे नहीं, यहाँ पे भी कोई प्लेस होता तो हम उसको भी लिखते हैं यहाँ पे फिर, ठीक है? तो देखिए 4 कहाँ था 10 लैख के प्लेस पर, 5 कहाँ था लैख के प्लेस पर, 6 कहाँ था 10,000 के प्लेस पर, 2 कहाँ है 1,000 के प्लेस पर, 8 कहाँ है 100 के प्लेस पर, 7 कहाँ है 10 के प्लेस पर, ठीक है? तो इसको पूरे जितनी भी डिजिट दिए हैं उसका पूरा एक्सपेंड फॉर्म हमको बताना है कि कौन सी डिजिट किस प्लेस पर दी गई है, ठीक? तो जैसे इसका एक सेकेंड क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका 5, 7, 9, 3, 9, 2, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है? तो इसको हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? एक्सपेंड फॉर्म में इसको फाइव कहाँ पर है आपका 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000 और यहाँ पे लैख, तो 5 के यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 लैख, ठीक है? फिर प्लस 7, 7 के अंदर देखिए ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा कितने यहाँ पे 0 लगने हैं, तो यहाँ से देखिए 5 के बाद कितने डिजिट हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर 7 के बाद देखिए कितने डिजिट है 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे कितने 0 होंगे 1, 2, 3, 4। फिर यहाँ 70,000। फिर यहाँ देखिए 9 के बाद कितने 0 हैं 1, 2, 3, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 9,000। फिर यहाँ पे देखिए 3 के बाद कितने 0 हैं 2, तो ये हो जाएगा आपका 300। फिर 9 के बाद कितने डिजिट हैं 1, तो ये हो जाएगा आपका 90। और फिर लास्ट में आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक है? इस तरह से आपको इसका एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। अब दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि जब एक्सपेंड फॉर्म में हो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। मतलब अभी तक आपको क्या कह रहा था कि ये डिजिट दिया रहता था और आपको इस तरह से लिखना था एक्सपेंड फॉर्म में। अब आपसे क्या कह रहा है कि अगर ये डिजिट दिया है तो आपको इसको जस्ट इस तरह नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए हम लोग नंबर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, राइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5th है आपका राइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म के प्लेस पर लिखना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग यही लेके बताते हैं, तो इसको देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं ना, लिखते हैं कोई भी डिजिट में। तो देखिए 70 वाला दिया है, यानी यहाँ वंस के प्लेस पे कुछ नहीं है, तो क्या लिख देंगे वंस के प्लेस पे आपका कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 0, या हो जाएगा आपका कितना 0, क्योंकि कोई डिजिट हमारा वंस के प्लेस पे नहीं है। फिर देखिए टेंस के प्लेस पे क्या है 7, फिर 100 के प्लेस पे क्या है 8, फिर 1000 के प्लेस पे 2, फिर यहाँ पे आपका 10,006, फिर लैक, फिर 10 लाख। इस तरह से इसको हम लोग कंबाइन कर देते हैं। और कॉमा कहाँ लगता है ये आपको पता है कि जहाँ पर एक पीरियड ओवर होता है वहाँ पे कॉमा लगता है। वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर 1000, 10,000, फिर लैक, 10 लाख, ठीक है। इस तरह से आपको अब यहाँ पे देखिए हम लोग, अगर आपको वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इसका दूसरा मेथड क्या है। ये आपका फर्स्ट मेथड है, सेकेंड मेथड आपका क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। ये देखिए आपका लिखा है, फिर ये आपका, फिर आपका, इन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे देखिए क्या आएगा, 0, 7, 8, 2, 6, 5, 4, देखिए वही वैल्यू आई ना, 4, 5, 6, 2, 8, 7, 0। अगर आपको इस तरह से नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, ये तो एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया था केवल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक मिनट, यहाँ पे कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, प्लस प्लस अब इसको कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए 6 कहाँ पे है आपका, वंस के प्लेस पे, तो ये हो गया 6। फिर 8 कहाँ है आपका, टेंस के प्लेस पे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 और है। 7 कहाँ है आपका, 100 के प्लेस पे। 5 कहाँ है आपका, 1000 के प्लेस पे। 9 कहाँ है, 10,000। फिर लैख, फिर 10 लैख, फिर करोड़। तो इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए कॉमा कहाँ लगेगा, 1, 10, 100, 1 पीरियड ओवर हो गया, फिर 1000, 10,000, फिर लैक, 10 लैक, फिर ये करोड़। इस तरह से आपको यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। दोनों मेथड चाहे आप ऐड करके इस तरह से लिखिए, चाहे आप ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए, जो आपको सुटेबल लगे वो आप करिए। ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस कर आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है, जो चीज़ नहीं आती है वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।